नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और बारिश काफ़ी हो रही है बाहर, तो बारिश में लॉन्ग ड्राइव का अलग ही मज़ा होता है। तो अभी मैं तो जा रहा हूँ किसी काम से, इसलिए निकला हूँ बाहर घर से, क्योंकि मुझे बारिश में जाना अच्छा नहीं लगता। और जिन जिन लोगों को बारिश में जाना अच्छा लगता है, वो एक लॉन्ग ड्राइव पर चले जाइए। और बारिश के बाद का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है। ये तालाब पूरा भर चुका है, काफ़ी लोग यहाँ पर नहाने भी आते हैं। और ये राजकोट अहमदाबाद हाईवे है, अभी नेक्स्ट चोटीला आने वाला है। और ये जो पर्वत आप देख रहे हैं, वो चोटीला का पर्वत है, डूंगर। यहाँ पर चामुंडा माँ विराजमान है। चामुंडा माँ का दूसरा नाम सिंहेश्वरी माँ जैसा कुछ है बाहर के स्टेट में। यहाँ पर चामुंडा माँ के नाम से प्रसिद्ध है माता जी। चोटीला में बहुत ही बड़ा स्थानक है माता जी का, और काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं हर रोज़, लाखों की तादाद में आते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी अच्छी दर्शन है ऊपर। चामुंडा माता जी का मंदिर एक सुंडा में है राजस्थान, दूसरा यहाँ पर है, और एक भावनगर में है ऊंचा कोटड़ा। हर जगह पर माता जी डूंगर पर विराजमान है, ये चोटीला। हजार का पेट्रोल करवा लेते हैं अभी, रेंज 140 है दिखा रहा है, और टंकी इतनी है, इतनी टंकी, देखते हैं क्या फर्क आता है। बिल आप जो है ना, बिल आप जो आ मत तो बनाओ जो दे दिया, अजय में बिल बना लो। अभी रेंज दिखा रहा है 390, 410, और टंकी ऑलमोस्ट बढ़ गई है, 450 की रेंज दिखा रहा है, ये टंकी फुल हो गई है। कितना लीटर है? 14.49, 14.49 लीटर है। रेंज 460 और पेट्रोल यहाँ तक है, पहले ई के पास था, यहाँ तक है। एक्सीडेंट जो है चोटीला बाउंड्री के पास हुआ है। अभी राजकोट अहमदाबाद हाईवे का 6 लेन का काम चालू है, काफ़ी बड़ा हाईवे बन रहा है। पहले से 4 लेन था, अभी 6 लेन का काम चालू है, और भाई रात को शायद देख नहीं पाए, इसलिए पलटी मार गया ट्रक। और ये काफ़ी बड़ा हाईवे बन जाएगा, गुजरात का 6 लेन हाईवे बनेगा। सबसे सबसे फेमस हाईवे है वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे, और उसके बाद का ये हाईवे है। अभी काम शुरू है, कम से कम 2 या 3 साल में हो जाएगा काम ख़त्म। और ये रास्ता तो काफ़ी पहले मंजूर हो चुका था, लेकिन काम में दिक्कत आ रही थी इसलिए। और यहाँ पर नया एयरपोर्ट भी बनने वाला है, तो इसलिए इसको 6 लेन बनाया जा रहा है। और ये जो है चोटीला बाउंड्री, एक्चुअली कहते हैं यहाँ पर सर्कल है, यहाँ से श्रीनगर का रास्ता अलग होता है और अहमदाबाद का रास्ता होता है, और ये बीच में मेलड़ी माता जी का मंदिर है। ये जो ट्रक और कार जा रही है वो अहमदाबाद की तरफ है वो, और ये हम जा रहे हैं अभी सुरेंद्रनगर। तो ये रास्ता सुरेंद्रनगर की ओर जाता है, और सुरेंद्रनगर से आपको महेसाणा या पालनपुर उस साइड जाना है तो भी जा सकते हैं। और ग्रीनरी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हाल फिलहाल में बारिश का मौसम है। और ये कपास की खेती की गई है, अभी कपास बोया है यहाँ पर, क्योंकि गुजरात में कपास काफ़ी जगह पर कपास की खेती होती है। गुजरात में कपास मूंगफली ज़्यादा होती है सौराष्ट्र विस्तार में, तो इसलिए यहाँ पर ये बोया हुआ है। अभी इसको 3 या 4 महीने लगेंगे कपास होने में, तो आप ये नज़ारे एंजॉय कीजिए। और ये थोड़ी फोग हो रही है अभी, तो एसी ऑन कर देता हूँ। एसी नहीं ऑन किया था क्योंकि नेचुरल हवा बहुत ही अच्छी आ रही थी। थोड़े थोड़े कांच खुले रखे थे, बारिश थी, लेकिन फिर भी
तो अभी ऐसे ही करना पड़ेगा फोग हटाने के लिए। इस ट्रेन में सिस्टर और जीजू आए हैं, इसलिए उनको लेने आया था राजकोट से सुरेंद्रनगर तक। कम से कम 100 किलोमीटर पड़ता है राजकोट से सुरेंद्रनगर, तो उनको यहाँ पे लेने आया था। हमारे शहर में ये ट्रेन नहीं आ रही थी, इसलिए ये ट्रेन अब सीधी से आएगी भावनगर, और रेलवे स्टेशन का नाम है सुरेंद्रनगर गेट रेलवे स्टेशन। यहाँ पर लेने आया जी और जीजा जी को लेने आया था सुरेंद्रनगर गेट। अभी जा रहे हैं वापस घर की ओर। आप नज़ारे देखिए, काले काले बादल और ये हरियाली हरियाली खेत में, काफ़ी अच्छा नज़ारा है और मन को मोहित करने वाला है नज़ारा। काफ़ी सुंदर है, ब्यूटी ऑन अर्थ मतलब कह सकते हैं हम। काफ़ी भयंकर वाली बारिश शुरू हो चुकी है घर की ओर जाते हुए। दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है शाम हो चुकी है और काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। इतनी बारिश की ज़रूरत भी है गुजरात में, क्योंकि इस साल थोड़ी कम बारिश हुई है और पिछले साल तो कब बारिश मतलब कुछ हुई ही नहीं थी ऐसा था, इसलिए बारिश की ज़रूरत है। बारिश अभी अच्छी तरह से हो रही है, तो होने देते हैं और हम इंजॉय करते हैं बारिश को भी। सलामत सवारी एसटी गुजरात सरकार ने कभी एसटी में सफ़र नहीं किया है। ये दिव्या जब से गिर गया हूँ तब से एसटी में कभी सफ़र नहीं किया है, बाय रोड और ट्रेन से ही गया हूँ। वैसे एसटी में फ्री है मुसाफरी मेरे लिए। यही होता है आजकल की बारिश में, एक जगह पर बारिश हो रही है तो उसके तुरंत बाद बारिश बंद हो जाती है। गुड बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो है पार्क फॉर हैंडीकैप के बारे में।